गाइस सभी को, और अभी मैं शाम के समय में मतलब नाइट के समय में ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी रोहित जी आए हैं अपने काम से, तो अभी हम लोग निकल रहे बाजार के ओर, और क्या लेने जा रहे, किस लिए जा रहे, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब लोग कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए और ऐसे प्यार सपोर्ट दिखाते हैं। मैं बिल्डिंग लगाई थी ना, बिल्डिंग बन जाइए मैं नहीं, मतलब ये बहुत पुराना रही है, आज ये सब पहन रही हूँ। कैसे लग रहा बताइएगा। और लड्डू आगे हम बैठे और रोहित जी के साथ में दिखा गो आगे तरफ, रोहित जी के साथ में बैठा हुआ लड्डू, और जा रहे हैं क्या लेने जा रहे हैं और ये लाने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वो सब आप लोगों को पता चलेगा। और ब्लॉग देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन ब्लॉग का आते रहे आप लोग के पास। और बताइएगा कि आज बारिश वरिश सब लोगों की तरफ किया था कि नहीं किया था। इधर तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, कोई कोई जगह में ना गाछ उस सब भी उखड़ गया है जड़ से, फिर जब टूट गया है तो इस वजह से लाइट दोपहर से कटा हुआ, अभी तक लाइट नहीं आया है। पता नहीं आज आएगा भी कि नहीं आएगा, नहीं पता चल रही, और नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ना मेरा मोबाइल भी चार्ज करना, ऊपर से लड़कियों बिना पंखा का सोता ही नहीं, पता है उसको जब तक पंखा ऐसे से उसका बदल में नहीं लग रहा तो सोएगा नहीं। क्या कर और सोच रहे हाथ से धूप का धूप का दिन भर ऐसे सोलाए उसको हाथ से धूप धूप के पंखा से, और अभी तक क्या कर और सोच रहे इसलिए अपने न्यू ब्लॉग पर बने रहे, जैसे होगा नहीं होगा सब अभी उससे शेयर करेंगे। बने रहिए फ्रेंड, फाइनली हम मार्केट के ओर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर टोटो साइड में खड़ा करा लड्डू को देख सकते हो, आगे में बैठा और रोहित जी के साथ में गाना सुन रहा है। ओए लड्डू, सीख लिया ना टोटो चलाने, सीख लिया, बहुत मजा आया है, चलो नीचे उतरना नहीं है, बस 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 हो गया, इतने उछलो, चल चल। मुंह से क्या कर लिया वो काजल से, देख रहे हो, पूछो तुम पूछो। फैमिली तो हमने फाइनली कहाँ आए गो, बाबू का आए हैं, कुछ लेने के लिए सामान, तो ये क्या सामान लेने आया दिख जाएगा ब्लॉग में आप लोगों को। लड्डू को क्या चाहिए, इसको काजल लगाते थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये पूरा छिटा लेता काजल को अपना, पूरा आँख में फैला लेते हैं ना। ओह 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 ओह, इतना खांची इतना खांची हो जाए, बहुत भयानक दिख रहा है जो पूरा काजल से सब पूरा ऐसे से ऐसे से कर ले सड़ दिया है ना। ए तो तेरे पास है रुमाल, रुमाल है तो ऐसा हम पूछेंगे, पूरा यह कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ, और ये मॉल है हम लोग के चैनवासा का, तो ये इसका नाम है सिटी स्टैंड, और इसके अंदर हम जा रहे हैं फ्रेंड बाबू के लिए कपड़ा लेने के लिए, क्योंकि बाबू के पास नया का पैसा है नहीं, तो कल पहनाने के लिए अभी हम जो है कपड़ा लेने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, लग रहा है कि सेल लगा होगा, तो अभी हम जाकर फटाफट देखते हैं बाबू के लिए कुछ कपड़ा। तो रोहित जी को बोल रहे कि बाबू के लिए क्या लेना सही है बोल करके, तो फिर हम बोला कि चलिए यूट्यूब फैमिली आप लोग भी मिले। फैमिली तो पहुंच चुके फाइनली, और यहाँ पे बाबू के लिए कपड़ा देख रहे हैं, और इतना खास खास बच्चे लोगों का कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं पसंद नहीं की लेने के लिए, फिर भी मैं देख रही हूँ अगर कोई पसंद आ जाए तो ले लेंगे बोल के, बट समझ में नहीं आई। हम लोग कपड़ा वपड़ा देखा, चप्पल लेगा, लेकिन कुछ तो पसंद नहीं आया, उतना खास खास नहीं था, और था भी कपड़ा ना डंगरी साइज में था, बट वो ना मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि बाबू का ऑलरेडी तीन ना चार्ज है, तो इसलिए ऐसा पहना बोल चुके, तो अभी इसके लिए थोड़ा जीन्स उन्स में या फिर कुछ हाफ पैंट में कुछ देख लेंगे, अभी इधर तरफ जाकर हमारे तरफ, तो वहाँ से कुछ लिया नहीं, पसंद नहीं आ रहा था ना को कपड़ा वपड़ा, इसलिए तो इसलिए आप लोग बने रही हम चलते हैं स्वागत है। मैं तो बढ़िया हूँ, सुस्त मस्त होंगे, और मेरे तरह से आप सभी को प्यार वाली गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ आज
जा रहे फ्रेंड, और गर्मी कैसे है और बरसात वरसात कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी कमेंट के जरूर बताइएगा गाइस। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी मैं उठी जस्ट सो कर के फ्रेंड, तो अभी हम गए थे पानी भरने के लिए बट पानी नहीं आ रहा, तो मैं घर मालिक को फ़ोन की तो फ़ोन नहीं उठाया, तो उनके घर जाना पड़े, ज़्यादा दूर नहीं है घर, तो अभी आंटी को बोलेंगे थोड़ा पानी चालू करने के लिए। पानी ना सुबह ही में आता फ्रेंड, पता है कि बंद हो जाता है, तो हम सुबह में नहीं उठे पानी भरने के लिए, तो अभी पानी का दरकार है तो नहीं आ रहा, तो अभी जाकर घर मालिक को बोलेंगे। तो झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं धोने का, भागो अभी भी नींद पूरा नहीं हुआ है मेरा, तो नींद आ रहा है। और क्या बोले फ्रेंड आप लोगों को बताइएगा। और रोहित जी तो आज काम गए नहीं, घर पे हैं, आएगा कैसा चेहरा सा फूला फूला हम लोगों को लग रहा है, दिख रहा है ना को मैं, वो चेहरा सा अजीब से दिख रहा है, तेरा भी चेहरा सा पूरा फूला फूला दिख रहा है, रात में ना नींद नहीं पूरा होने का वजह से होता है, और पता नहीं क्या चीज़ को होता है, रात में भी जानते लाइट नहीं बोले से 2 बजे आसपास आया है ना, लाइट नहीं था रात में, पता है 2 बजे आसपास आए, ऐसे ही हम लोग बाबू का पारी पारी पंखा ऐसे से कर करके उसको सोलाए, फिर हम भी सोए, फिर ऐसे ही करके सोए, और ये वाला गेट है ना, ये वाला गेट को खुला छोड़ दिए थे, बस 12 वाला गेट को हम बंद कर दिए थे, तो ऐसे ये तो थोड़ा थोड़ा फाँका जगह है ना कोना कोना, तो उधर से थोड़ा भी हवा आता है, इसलिए ऐसे ही सो गए थे फ्रेंड, वरना बहुत गर्मी लगता है। और कल ऐसे भी ज़्यादा गर्मी नहीं था फ्रेंड, इसलिए ना कि वो बारिश किया था, बारिश का देख रहे कितना मेरे को ये लग रहा है फ्रेंड, नींद आ रहा है बहुत। अभी लड्डू को भी रेडी करना फ्रेंड, उसको भी नहलाना है, हमको भी नहाना है, उसके बाद मेरे सास घर जाना है, क्योंकि आज रोजो परब है, रोजो परब कौन कौन मनाते हैं ये ज़रूर बताइएगा, और रोजो परब होता है क्या अच्छी चीज़ भी बताइए। रोजो परब तो हम लोग बनाते नहीं हैं, पहले हम बनाते थे मेरे सहेली लोगों के साथ में जब छोटे छोटे थे, मतलब झूला वूला बनाते थे, झूला में लक्ष्मी गणेश जी को झूलाते थे, और उसके बाद उसमें पूजा पाठ करते थे, उसके बाद फिर हम लोग झूलते थे, तो क्या आप लोग ऐसे करते हो क्या करते हो मुझे जरूर बताइए। मेरे सास ससुर लोग बुलाए आज लड्डू को लेकर के, तो आज हम लोग जाएंगे, तो ऐसे मैं ब्लॉग को बना रही, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है ऐसे बोलते ना गाइस, सब जितना है सो सब गोच करना है, और ये सब ना तकिया से भींगा हुआ है, इसको हम कल धूप में दिए थे, लेकिन आज ना जितना जो से बारिश आए किसी सब गीला हो चुका तकिया से, और यहाँ पर रात में देख सकते इतना सारा कपड़ा सब धोए थे, देखे इतना सारा कपड़ा धोए, पैर पोछनी धोए, पर्दा धोए, बेडशीट धोए, सब धोए फ्रेंड, अभी सब सुखाना होगा बाहर पे, और साथ में जैसे इतना सारा पानी बोतल है, ये वाला पानी बोतल, यहाँ पानी बोतल, आधा तो पानी बोतल फेंकाया हुआ और पानी बोतल बच गए देखे सब, अभी सबको फेंकना हुआ था, इसलिए अपने कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए गाइस, हम झाड़ू पोछा करेंगे, साफ़ सुथरा करना है। फाइनली मेरे घर का सब काम खत्म हो गया था, बस नाश्ता नहीं हुआ है, और बाद में झाड़ू पोछा बर्तन धोना और नहाना होना सब हो चुका है, और देख सकते हैं तो मैं रेडी भी हो गई हूँ नहा करके, हम लोग तीनों के एक्चुअली नहा कर रेडी हो चुके हैं ना गो, हम तीनों के दिखा चेहरा दिखा दे बेटा, आप तीनों का चेहरा दिखा देखिए, बेटा भी नहा कर रेडी, आप दादी बोरा दादी 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 इतना क्यूट से मुँह बना कर बोलते दादी ऐसे तो चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर में नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बनाने का मन नहीं कर रहा है, और ऊपर से ना प्याज वाज टमाटर वमाटर कुछ भी नहीं है, और अभी मिलेगा भी तो बहुत कड़ा धूप भी है ना, तो अभी जो है मेरे सास घर भी जा रहे हैं फ्रेंड, उधर से ना मेरे सास को क्या बोल रहे हैं कि आचार ना लेके गए थे वैष्णो माता रानी द्वारा से, आचार से लाइट मत बताओ कहीं बता रहे लाइट, फिर शाम में हम लोग आगे आएंगे लेट हो जाएगा, तो फिर घर अंधेरा रहेगा ना, तो वैष्णो माता रानी का मंदिर से हमने लेके गए थे आचार डब्बा, तो आचार ना खत्म नहीं हो रहा फ्रेंड, पता है हम 2 आदमी कितना आचार खाएंगे,
इस वजह से हम सोचे कि चलो उधर से नाश्ता भी करते हुए मेरे सास को ना अचार भी दे देंगे। तो इसमें अचार भर लिए हैं, बाबू का पानी बोतल भरे और बाबू के एक दो पैंट भरे और एक गंजी भर लिए है, कुछ नहीं है फ्रेंड। और ताला पकड़ लिए, ताला चाबी लगाएंगे। थोड़ा बाल को ना बांध लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम इसे खुला बाल में तो नहीं सकेंगे जाने कि नहीं गाइस। और ऐसे भी मेरे ससुर जी भी बुलाए थे क्योंकि अच्छे है झूला पर्व किस वजह से, तो चलिए बाल को पहले बांध लेते हैं। तो फाइनली मैं सास घर आकर काफ़ी देरी हो गई, हम लोग कोल्ड ड्रिंक उड्रिंक सब पी लिया, रोई जी लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक और लड्डू, यहाँ पर सोया देख सकते खेत में ना। और मैं सास लग गई चिकन लाने, मैं ससुर मैं सास चिकन लॉलीपॉप रोई चिकन लॉलीपॉप खाएंगे बोले ना चिकन लॉलीपॉप। और देख सालों थोड़ा इधर देख सकते जिस तरह का नज़ारा मैं पीछे, इधर इधर घर है और इधर हम लोग बैठे हुए हैं। मैं मौसी सास के साथ बातचीत कर रहे हैं और रुके जब मेरे मौसी सास थोड़ा टल्ली होगी ना तब हम लोगों को शहरी सुनाएंगे। बहुत महीने को मैंने शहरी मारती है, थोड़ा मार दिए थे मौसी तो चलिए फ्रेंड हम लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहिए और ऐसे प्यार सपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए गाइस। उधर भी घर भी जाना हम लोग को, गर्मी हाई हाई गर्मी, बहुत गर्मी लग रहा है लेकिन 38 डिग्री है गर्मी। रात हो जाए लकड़ी चूल्हे में खाना बनाएंगे, अभी हम बनाएंगे तो क्या? हम बनाएंगे, मैं सास थोड़ी बनाएगी। रहना बाबा को नहीं रोए पर भी गर्मी का चक्कर में, और ऊपर सबको तो पता है ना गजरा गजरा करने वाला आदमी। लड़का का बर्थडे में जाएंगे।